से बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ बयान पर कांग्रेस भड़क उठी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिच्छू के बयान पर कांग्रेस भड़की। जवाहर सर्किल पर प्रदेश कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज प्रदेश भर में यह बड़ा प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और अब कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा बनाते हुए पूरे प्रदेश में आज के लिए चेतावनी प्रदर्शन की दी थी। ये जवाहर सर्किल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तमाम कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हाथों में तख्तियां लिए आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देख पा रहे हैं। ये पूरा मामला केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिच्छू के बयान पर के बाद शुरू हुआ, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ दिया गया था, और उसी को लेकर कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन पूरे प्रदेश में कर रही है। जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेघवाल साहब, फतेहपुर विधायक जनाब हाकम अली जी, कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता पधारे, जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। कांग्रेस पार्टी। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सेम लोडा साहब को, वो पधारे और हम सबको संबोधित करें। सेम लोडा साहब, हमारे बीच में पूर्व विधायक वर्तमान विधायक इंदिरा मीणा जी पधारे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, कांग्रेस विधायक दल के नेता। तो राहुल गांधी के खिलाफ बयान पर कांग्रेस भड़क उठी है। लगातार कल से प्रदर्शन चल रहे हैं और आज एक जोरदार प्रदर्शन प्रदेश भर में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जब और सर्किल से हो रही है, जयपुर से हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए तमाम आपको बड़े नेता नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, विष्णु भी हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, प्रदर्शन की शुरुआत हो रही है। देखिए बिल्कुल, भाजपा के खिलाफ एक प्रदर्शन है, वो कांग्रेस के द्वारा शहीद स्मारक पर किया जा रहा है, और यहीं पर मोदी सरकार के जो मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनको बर्खास्त करने, उनके खिलाफ जो टिप्पणी उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ की है, तो राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की बात है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इसी कड़ी में ये जो धरना जारी, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उसके अलावा टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो पूर्व जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो सभी धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। और मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं के लिए हिंसक बयानबाजी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या यहीं पर प्रदर्शन होगा जवाहर सर्किल पर, या एक रैली भी निकाली जाएगी, किस तरह से प्रदर्शन हम देख पाएंगे आज? देखिए बिल्कुल, जो रैली निकालने का है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सभा चलेगी। सभा को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, तमाम मंत्री जो नेता है, वो इस संयम लोड़ा इस वक्त इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो नेताओं का सबसे पहले यहाँ पर संबोधन होगा, और भाजपा का हथियार हिंसक सोच वाली स्कीम के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद संभवतः रैली के रूप में यहाँ से लोग यहाँ पर निकलेंगे, लेकिन कम से कम 2 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें तमाम नेता और उपनेता यहाँ पर मौजूद है। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जवाहर सर्किल से लाइव तस्वीरें, प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है, एक सभा होगी, बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे, आगे रैली भी निकाली जाएगी। सिर्फ जयपुर की ऐसी तस्वीर नहीं, आपको प्रदेश भर से लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। प्रदेश